डॉट नेट तो फाइनली जो है ट्वेल्व पॉइंट जीरो पॉइंट फोर पॉइंट जीरो का जो अपडेट है वो इंडिया के अंदर रिलीज हो चुका है कुछ नए चेंजेस और नए फीचर्स के साथ जिसको आज हम अपने रेडमी के ट्वेंटी प्रो के अंदर यूज कर रहे हैं काफी सारे यूआई के अंदर नए चेंजेस किए गए हैं बट हाँ कुछ फीचर्स अभी भी इसके देखने को मिसिंग मिलते हैं क्या नए फीचर्स है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जल्द ही आपको ट्वेल्व का जो है अपडेट देखने को मिलने वाला है जिसके अंदर आपको काफी सारे नए चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा क्या क्या वो नए चेंजेस हैं क्या क्या नए फीचर्स हैं ट्वेल्व पॉइंट फाइव के उसको जाके आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा जिससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि आगे चल के आपको और क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिल सकते हैं बट इस टाइम पे काफी सारे नए यू के अंदर चेंजेस कर दिए गए हैं तो काफ़ी टाइम से जो है वर्जन में देखने को नहीं मिल रहे हैं तो आज का वीडियो उसी वीडियो के ऊपर है वीडियोज के लाइफ का टारगेट रखते हैं हमको थाउजेंड लाइक्स का मे बी आप उसको कंप्लीट कर देंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है Redmi K20 Pro और इसके अंदर आज हम जो है लेटेस्ट वर्जन जो है MIUI 12 का 12.0.4.0 वर्जन जो है यूज कर रहे हैं जो कि फाइनली जो है रोल आउट हो चुका है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप उसको चूज अपडेट पैकेज के थ्रू भी अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं इनकेस अगर आपको अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एंड्रॉइड वर्जन टेन एंड जो पहला चेंज है वो है सिक्योरिटी पैच अब आपको जो है इसके अंदर फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है अगर आप रेडमी K20 Pro यूजर्स हैं और काफी टाइम से अपडेट का वेट कर रहे थे और स्टेबल रोम यूज कर रहे थे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसके अंदर क्या नए चेंजेस देखने को मिले हैं और पहले से बेटर हुआ है कि नहीं हुआ है तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा तो पहला चेंज तो ये होगा कि आपको इसके अंदर जो है सिक्योरिटी पैच जो है लेटेस्ट देखने को मिला है और अपडेटेड देखने को मिला है सेकेंड चेंज जो आपको देखने को मिलता है वो है कंट्रोल सेंटर के अंदर की कंट्रोल सेंटर के अंदर जो है अब आपको स्मार्ट होम का ऑप्शन देखने को मिलता है अगर आप कोई स्मार्ट होम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो उसका आपको नीचे एक टैब यहाँ पे देखने को मिलेगा जहां से आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं तो ये भी आपको एक सेकेंड चेंज जो है इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिला है जैसा कि मैंने आपको बताया यू के अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए हैं उसी तरीके से डिस्प्ले के अंदर जो डार्क मोड का जो पैनल था वो कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है और कुछ इस तरीके का आपको लाइट मोड और डार्क मोड के जो ऑप्शंस हैं वो अब यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं पहले आपको एक अलग तरीका का यू आई देखने को मिलता था बट इस टाइम पे जो है इसके अंदर जो है यू आई जो है उसको अपडेट कर दिया गया है और साथ ही साथ एक नए तरीके का यू आई जो है आपको यहाँ पे अब देखने को मिला है जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेटस बार में अब आपको स्मार्ट होम का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है अगला चेंज जो देखने को मिलेगा जो सबसे बेस्ट चेंज मुझे लगा है है वो मिला है आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर अगर आप आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे जो डिस्प्ले आइटम होता था वहां उसको ऑलवेज या शेड्यूल ही रह सकते थे बट अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फॉर टेन सेकेंड आफ्टर टाइपिंग जिसे मेन्शन किया गया है रिकमेंडेड क्योंकि मोस्टली क्या होता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है थोड़ी सी आपकी बैटरी कंज्यूम कर करता है तो इसमें क्या होगा जैसे आप टेन सेकंड टैप टैप करेंगे टेन सेकेंड बाद जो है आपके फोन के ऊपर जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है आपके स्क्रीन के ऊपर शो करना शुरू करेगा तो कुछ इस तरीके से काम करेगा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसी ऑप्शन को अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर यूज करें जो काफी अच्छा फीचर है और काफी टाइम से इसका लोग वेट करें। तो ये भी अच्छा फीचर जो है आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलता है नेक्स्ट चेंज जो आपको देखने को मिला है वो है कैमरे के अंदर कैमरे के अंदर जो है अब आप, आपको काफी सारे जो है ब्यूटी के और साथ साथ आपको काफ़ी सारे नए फिल्टर जो है यहाँ पे अब आपको देखने को मिल जाते हैं जिनको आप डायरेक्टली जो है फोटो कैप्चर करने से पहले जो है यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और किस तरीके का फिल्टर जो है आप अपनी इमेज में देना चाहते हैं वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि परफेक्टली काम कर रहे हैं आपको ब्यूटी मोड के अंदर आपको स्मूथ बॉडी लेग्स हेड ये सारे कुछ और फिल्टर भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं तो ये चीजें तो आपको मिलते हैं बट अभी कुछ फीचर्स और अंदर जैसे ट्वेल्व पॉइंट फाइव के अंदर आपको नए टैब्स यहां पे देखने को मिलते थे वो अभी इस टाइम मिसिंग है मे बी जो नेक्स्ट अपडेट आपको देखने को मिले ट्वेल्व का उसके अंदर आपको और भी काफी सारे कैमरे के अंदर फीचर्स देखने को मिल सकते हैं तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एक बार डाल दिया है अगला मेजर चेंज जो आपको देखने को मिलता है वो आपको मिलता है गैलरी के अंदर गैलरी के अंदर जो है काफी सारे जो है नए फिल्टर्स तो इंट्रोड्यूस किए हैं साथ ही साथ आपको यहाँ पे इसके इसके अंदर अंदर जैसे आप लैंडस्केप मोड पर जाते हैं तो अब जो आपका कंट्रोल सेंटर है वो आपको कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आपको एक ही पेज पे आपको कुछ देखने को मिल जाता है जहां से आप अपने कंट्रोल सेंटर और टैब्स अपनी ब्राइटनेस और अपने स्मार्ट स्मार्टफोन्स को यहाँ पे इजिली एक्सेस कर पाते हैं दी लैंडस्केप मोड पर भी जो है अब कंट्रोल सेंटर को चेंज कर दिया गया है और कुछ इस तरीके की यूआई के साथ जो है अब आपको एक नया कंट्रोल सेंटर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है तो ये सारे जो चेंजेस जो हैं वो अब जो है मीवाई ट्वेल्व के अपडेट के अंदर कर दिए गए हैं बट अभी भी इसके अंदर काफी सारी चीजें मिसिंग्स हैं जैसे जो नए सुपर वर्ल्ड पेपर जो इंट्रोड्यूस किए थे वो अभी आपको यहां पे देखने को नहीं मिले हैं और साथ ही साथ जो K20 की सीरीज और जो पोको के यूजर्स जो थे वो वेट कर रहे थे कि कब जो है उनको पोको थ्री पॉइंट का लॉन्चर देखने को मिलेगा या फिर मीवाई का लॉन्चर तो अभी भी एक निराशाजनक बात यह है कि अभी भी आपको अपना पोको लॉन्चर ही देखने को मिला है जिसके अंदर आपको जो है पिल के जेस्टर्स देखने को नहीं मिले हैं ना ही अभी आपको हॉरिजॉन्टल जो जेस्टर्स होते हैं रीसेंट टैब्स वो भी अभी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिले तो कुछ फीचर्स अभी भी यहाँ पे मिसिंग हैं बट हाँ जैसे जैसे आगे अपडेट्स आते रहेंगे आपको वो सभी फीचर्स जो हैं अपने नए फोन्स के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे अगर आपको लगता है मेरे से कोई फीचर जो है यहाँ पे मिसिंग हो गया है या फिर आपने इसको डिस्कवर किया है तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप के ट्वेंटी प्रो के यूजर हैं और के ट्वेंटी प्रो के इंडियन ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारे एडमिन वगैरह से बात करना चाहते हैं तो आप हमारा जो के ट्वेंटी प्रो का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ अगर आप एडिशनल सेटिंग्स में जाए तो एक्सेसिबिलिटी का भी पेज जो है अब कंप्लीटली चेंज हो गया अब आपको यहाँ पे टैब्स देखने को मिलते हैं जैसे जनरल विजन हियरिंग ऑफ फिजिकल बट अभी भी आपको जो है फुल स्क्रीन डिस्प्ले में जो है यहाँ आपके पिल के चेस्टर जो है यहाँ पे नहीं दिए गए तो बस ये आज का वीडियो जो था बस मीवाई ट्वेल्व के अपडेट के कुछ फीचर्स के बारे में था जो कि प्रो के यूजर्स के लिए अपडेट हो गया है नए सिक्योरिटी पैच और नए यू के साथ तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय